नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। विधायक अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में गुरुवार को गवाह के विधायक के अधिवक्ता द्वारा जुरह की गई। जुरह पूरी नहीं हो सकी, अदालत अब 3 जून को सुनवाई करेगी। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने शहर विधायक आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ अब्दुल्ला के प्रमाण पत्रों से संबंधित 3 मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें आरोप है कि अब्दुल्ला के अलग अलग जन्मतिथि के 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट और 2 पैन कार्ड बनाए गए। इस मुकदमे की सुनवाई MPMLA स्पेशल कोर्ट में चल रही है। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई हुई। सेंट पॉल स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज पाठक गवाह हैं। इस स्कूल से अब्दुल्ला की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। वह कोर्ट में पेश हुए जहाँ बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा उनसे जुरह की गई। वे TC रजिस्टर लेकर आए थे। इसमें अब्दुल्ला के स्कूल में दाखिले के समय जन्म की तारीख 1 जनवरी 1990 लिखी है, जबकि बाद में संशोधन कर 30 सितंबर 1993 किया गया है। मजिस्ट्रेट रजिस्टर चेक करने के साथ ही जन्मतिथि को लेकर सवाल किए। इस दौरान विधायक आजम खान और अब्दुल्ला भी कोर्ट में मौजूद रहे। भाजपा नेता के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि जुरह पूरी नहीं हुई, अगली सुनवाई के लिए कोर्ट के 3 जून नियत की है। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।